यानी कि सुजलोन एनर्जी शेयर को लेकर काफी बड़ी न्यूज आ रही है। बाय टू मिड कैप, बट अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो सुजलॉन है, सुजलॉन में थोड़ा मूवमेंट आ गया है, एग्री, बट सुजलॉन रिलेटिवली लुक्स क्वाइट कंफर्टेबल फॉर अ गुड राइड ऊपर तक। एंड आई थिंक इफ वन हैज 1 ईयर व्यू एंड सेकंड कंट्री का रिस्क, आई थिंक यहाँ से भी काफी अच्छा एक मूव आ सकता है। मेन थिंग गुड अबाउट सुजलॉन इज कि इसका जो डेट है वो काफी रिड्यूस हो गया। पिछले कई सालों से डेट का एक बड़ा ओवरहैंग था इस स्टॉक पर। और दूसरा है कि इनका अभी भी अगर जो मार्केट में देखा जाए तो पोजीशन काफी अच्छी है। इनके जो टर्बाइन्स हैं बहुत वेल एक्सेप्टेड है मार्केट में और क्वालिटी वाइज सबसे बेटर माने जाते हैं। विंड एनर्जी में इटसेल्फ काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, तो बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। इनके इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और टर्न अराउंड बहुत अच्छे से हो रहा है। और उम्मीद ये है कि इस साल में ये अंत तक ये इनका जो ईपीएस है ये 1 और 1.2 के बीच में आएगा। तो उसमें अगर 25 की डिस्काउंटिंग दी जाए तो 28 रुपीज का एक टारगेट बनता है, जो कि मेरे मुताबिक अभी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी यहाँ से डबल हो सकता है शेयर। तो ये एक शेयर है कि थोड़ा रिस्क जरूर है क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का खराब है, बट अगर आप रिस्क लेके थोड़ा अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो रिटर्न बड़ा फेबुलस है, डबल होने का पोटेंशियल है, तो थोड़ा रिस्क इज वर्थ टेकिंग। तो ये एक पहला स्टॉक है जो कि यहाँ से डबल हो सकता है एक साल में।